और मित्रों, एंजॉय तो कर रहे होगे। 21 दिन का लॉकडाउन मिला है, कैसे बीतेंगे ये 21 दिन? मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे उन मरीजों का क्या होगा जिनकी डिलीवरीज होने वाली हैं, उनके बारे में सोच सोच के परेशान हूँ। प्लस जब जाना है तो फिर जाना ही है। पता नहीं आप लोगों से जून में मुलाकात होगी कि नहीं होगी। इस दौरान अगर कोरोना से ग्रसित हो गई तो अलविदा कहना पड़ जाएगा, पर मुझे बड़ा दुख है कि मेरे कुछ मरीज़ जिनको अभी प्रेगनेंसी नहीं आई है उनके लिए मुझे चिंता है। प्लस ये भी है मित्रों कि बहुत था हमें कि हमें एक दूसरे से अलग होना चाहिए, और CA NRC NPR चाहिए था हमें, ले लीजिए। अब वो कहते हैं ना ऊपर वाले कि जब डंडा बजता है ना ऊपर वाले का तो उसमें शोर नहीं होता। हमारे में कहावत है, जब ऊपर वाले की लाठी बजती है तो आवाज़ नहीं होती। हमें निकालने की कोशिश या हम लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा हो गया कि हम सब अपने घरों में ही लॉक ठोके रह गए हैं, और अपने घर में ही अब हमें लॉक ठोके रहना है अगले 21 दिन तक। देश से निकालने की तो दूर की बात है, अब आप अपने घरों में हो गए, लेकिन अलग अलग रहना है। ये ऊपर वाले का फैसला है, और उनके फैसले में कभी गड़बड़ी नहीं होती। CA NPR NRC के लिए हम लोग इतना हल्ला चिल्ला मचा रहे थे, हमें परेशानी हो रही थी। लो जी, अब ऊपर वाले ने एक इंसाफ सबके लिए कर दिया, सबके लिए। आराम से बैठो और सब एक होके रहो, क्योंकि वो कभी किसी से पक्षपात नहीं करता, वो सबको एक नज़र से देखता है। बड़ी तकलीफ थी। अब बैठो घर के अंदर, खुद भी बैठो, सारी दुनिया बैठी है घर के अंदर बंद हो करके, और इंसाफ ऊपर वाले का देखो। वो देने वक्त ये नहीं देखेगा कि किसे NPR देना है और किसे नहीं देना है, वो तो सबका NPR एक तरीके से करेगा, एक लाइन से सबका NPR होगा। और वो NPR करने में बिल्कुल भी कोई आपसे कागज़ वागज़ नहीं मांगने वाला, वो सीधा NPR कर देगा। और CA का कोई प्रावधान ऊपर वाले ने नहीं रखा है, ऊपर वाले के अदालत में कोई CA या उसका प्रावधान नहीं, अलग अलग पर्टिकुलर वर्ग विशेष के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है, सबको एक सिरे से देख रहे हैं वो, और उनके ऊपर सबकी लाठी एक बार ही चलेगी। आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी बात है 21 दिन का ये मौका मिला है हमें लॉकडाउन होने का, तो हमें लॉकडाउन बिल्कुल रहना चाहिए, हमें वक्त की नज़ाकत को समझना चाहिए बिल्कुल। और अफसोस इस बात का है कि टेस्टिंग सेंटर्स नहीं मिलेंगे हमें एज यूजुअल, और हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम कितने खतरे में हैं। एंड जो और एक अफसोसजनक बात है वो ये है कि गवर्नमेंट ने बोला तो है कि ये प्रावधान है, पर वो कितना हमें मिल पाएगा ये हम लोगों को नहीं मालूम। और मुझे इसी बात की फिक्र ज़्यादा है कि हम अभी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इंडिया बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। और आप सबसे बोलूँगी कि घर में लॉकडाउन होके रहें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ उसको ही लेने के लिए जाएं। वैसे ज्ञान देने के लिए फेसबुक पे बहुत लोग हैं, ज्ञान दे ही रहे होंगे, ये मत कीजिए वो मत कीजिए, सभी ज्ञान दे रहे होंगे आपको, ज्ञान लीजिए उनसे। लेकिन मुझे ऊपर वाले के इस फैसले से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने सबका NPR एक साथ कर दिया, ये बड़ा अच्छा काम किया। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, उन्होंने सबका NPR एक लाइन से किया, और अब किसी को शिकायत नहीं होगी कि मैं इसमें नहीं आऊँगा तो मैं इसमें नहीं छटूंगी तो मैं नहीं। अब लो बैठ के मित्रों ढोल बजाओ, कुछ काम तो और है नहीं, हम तो चले अभी कहीं कोरोना ग्रसित हो गई तो फिर मुश्किल ही होगी। आपसे जून में अगर मिल पाई तो फिर मिलेंगे हम सब, वरना शांति से निपट लेंगे। और देश को अभी ज़रूरत है लॉकडाउन के अंदर रहने की, तो आप इसकी गरिमा को भी समझें। लॉकडाउन मतलब बिल्कुल घर के अंदर आपको रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना, ज़रूरी होने पर सिर्फ एक बंदा घर के बाहर जाए और काम करके आए। और हाथ तो धोने ही हैं, हैंड वॉश करना है, ये आप लोगों को मालूम है। ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइज़र से ही आप हाथ को धोएं, आप साबुन से भी हाथ को धो सकते हैं, क्योंकि हम तो ऑपरेशन करने वक्त साबुन से ही धोते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइज़र हर किसी के पास मौजूद हो। बहुत अच्छा होता अगर गवर्नमेंट
टेस्टिंग किट्स वगैरह अवेलेबल करा देती, या आई डोंट नो। आज सुबह को मैंने ये भी सुना कि 20,000 crores किसी दिल्ली में किसी चीज़ को सजाने के लिए भी दिया गया है, बट हमारा तो 15,000 crores सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा के लिए दी जा रही है। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मास्क नहीं मिल रहे हैं डॉक्टर्स को, मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हम डॉक्टर्स को N95 मुहैया कराए जाए, ताकि हम थोड़े सावधान रह सके। हम डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, अगर हमें कॉल आ गया कि पेशेंट की डिलीवरी है तो हमें जाना पड़ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि N95 सारे डॉक्टर्स को उपलब्ध हो, सारी नर्सिंग स्टाफ्स को उपलब्ध हो, और जितने भी साफ सफाई वर्कर हैं उनको भी उपलब्ध हो, साथ ही साथ पुलिस कर्मचारी को भी उपलब्ध हो, ताकि हम किसी ऐसे स्थिति में ना पहुँचे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा दिन जिंदा रहें, तो हमें N95 जो गवर्नमेंट है, मैं उनसे अपील करूँगी कि भाई हमें मास्क तो दिलवा दें। बाकी तो पता नहीं क्या मुहैया होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मास्क जो है वो एक ज़रूरी है, ग्लव्स ज़रूरी है, दो दो ग्लव्स पहन के तभी तो काम कर पाएंगे हम, अदरवाइज़ पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। आप सब अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ़ रहें, और हैंड वॉश बार बार करें, और चुपचाप से घर बैठें। ऊपर वाले की रहम है, सबका NPR हो गया। थैंक यू।